यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को शनिवार को मंजूरी दे दी। अब यह पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पहले के धर्म में वापसी करता है तो यह अध्यादेश उस पर लागू नहीं होगा। अध्यादेश में साफ है कि जबरन धर्मांतरण करवाने वाले पर जेल जुर्माना तो होगा ही, साथ ही पीड़ित को 5,00,000 रुपए तक की क्षतिपूर्ति देनी होगी। दोबारा अपराध करने पर सजा दोगुनी हो जाएगी। अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई भी जबरन या लालच देकर, दबाव बनाकर या अपने प्रभाव में लेकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ पीड़ित के माता पिता, भाई बहन या कोई भी सगा या विवाह संबंधी या गोद लिया हुआ व्यक्ति पर FIR दर्ज करवा सकता है। अध्यादेश की धारा 3 के तहत इस तरह के कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया से BJP विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस बार अपनी ही सरकार के तहत संचालित राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। यही नहीं, विधायक ने अफसरों को हिदायत दी है कि अगर वे लोग पैसा लेकर काम करेंगे तो आम लोगों को इससे परेशानी होगी, ऐसे में अधिकारियों को भी परेशान होना होगा। बैरिया तहसील के कर्मचारियों और अधिकारियों को हिदायती लहजे में विधायक ने कहा कि वह लोगों के तहसील से जुड़े कामों को प्राथमिकता पर ले, नहीं तो अगर वह मुख्यमंत्री से कहकर व्यवस्था लागू करा सकते हैं तो अधिकारियों को ठीक करने की तकनीकी भी उनके पास मौजूद है, ऐसे कर्मचारियों को वह दंडित करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामपुर के सांसद आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहे। बेटे और पत्नी के साथ सीतापुर जेल में बंद आजम खान को उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम भर्ती घोटाले में दोषी पाते हुए SIT ने सीतापुर जेल में वारंट भेजा है। आजम खान अखिलेश सरकार में नगर विकास व जल संसाधन मंत्री रहे थे। जल निगम में सहायक इंजीनियर के तौर पर हुई भर्ती को योगी सरकार में गलत ठहराए जाने के बाद भर्तियों में घोटाले की बात सामने आने लगी थी। इसके बाद घोटाले की जांच के लिए SIT गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में आजम खान पूरी तरह से दोषी पाए गए हैं। जल्द ही SIT कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। लखनऊ शहर में दिवाली के बाद कोरोना का असर और बढ़ गया है। एक तरफ संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो पिछले महीने के मुकाबले कोरोना मुक्त होने वालों की तादाद भी घटी है। इस महीने दिवाली से पहले और इसके बाद संक्रमितों में 31% का इजाफा हुआ है, जबकि अक्टूबर के मुकाबले रिकवरी रेट महज 33% ही रह गया है। PGI के डॉक्टर अनुपम वर्मा ने बताया कि अगर शहर को कोरोना की दूसरी लहर से बचाना है तो सतर्कता बेहद जरूरी है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर से पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा मरीज हो गए हैं। ऐसे में लोगों को पहले से ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग नियमित करना होगा। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल संरक्षण व उसके प्राकृतिक संसाधनों के उद्धार के लिए ईमानदार प्रयास 2014 के बाद शुरू हुए हैं। 6 वर्ष पहले शुरू हुआ नमामि गंगे अभियान नदियों के पुनरुद्धार की दिशा में बड़ा कदम था। 4 साल पहले वाराणसी में जिस गंगा में डुबकी लगाने में शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते थे, जल जीव समाप्त हो गए थे, वहाँ अब डॉल्फिन डुबकियाँ लगा रही हैं। CM योगी आदित्यनाथ शनिवार को टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की ओर से आयोजित वाटर समिट 2020 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नदियाँ हमारी संस्कृति का अंग है और हम उस संस्कृति को फिर से स्थापित कर रहे हैं।